नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 7 फरवरी है और आज फ्राइडे का दिन है। इसी के साथ राशियों की बात होगी आज, लेकिन बात होगी आज मास ट्रांजिट की। जी हाँ, मंगल राशि परिवर्तन कर रहा है। इससे पहले 25 दिसंबर को मंगल का राशि परिवर्तन हुआ था तुला राशि से वृश्चिक राशि में, और आज मंगल का ट्रांजिट हो रहा है वृश्चिक राशि से धनु राशि में। ये ट्रांजिट आप सबके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ में ये भी बात करेंगे कि इस ट्रांजिट का आप सबकी राशियों में गोचर अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि कौन से भाव में गोचर करेगा। कार्ड्स के लिए यहाँ से भी जानेंगे कि कार्ड्स क्या कहते हैं। शुरुआत करते हैं जल्दी से एरीज के साथ। मेष राशि कार्ड निकल रहे हैं 3 of Swords एंड द चैरियट, और आपके लिए अगर देखा जाए तो नवम भाव में गोचर करेगा। इस अवधि में आप लोग जितना ज़्यादा अपने करियर में बढ़ोतरी चाहते हैं उतनी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। हो सकता है आपके आसपास के लोग आपसे अगेंस्ट में खड़े हो जाएं, आपकी बातों को नज़रअंदाज करें, आपकी बातों को अपोज करें, लेकिन आज के दिन में और आने वाले कम से कम 15 दिन तक आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामलों में आप लोग नहीं पड़ें, क्योंकि इस अवधि में हो सकता है आप अपने काम पर फोकस करने के बजाय इन चीज़ों की तरफ अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ का कट ऑफ हो सकता है। तो ज़रूरी है, क्योंकि नवम भाव में गोचर कर रहा है, कहीं ना कहीं पे आपका भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा। जो लोग डिफेंस से जुड़े हुए हैं या फिर आर्मी में डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस फील्ड में जाने के बारे में सोचना चाहते हैं, आप कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आप अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और हो सके तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा सा अपने फोकस को अपने एम्स को क्लियर करके चलें। जिन लोगों के लिए रिलेशनशिप्स की मैं बात करूँ तो इस अवधि में बहुत ज़्यादा वाद विवाद को बढ़ावा देना अच्छा नहीं रहेगा, बल्कि इस अवधि में हो सकता है आपका टेम्परमेंट थोड़ा सा हाई रहे, लेकिन चीज़ों को एक स्मूथ गोइंग तरीके से अगर चलाना चाहते हैं तो आप अपने आप को शांत रखने का प्रयास कीजिएगा, और अपने अपनी खासतौर पर शब्दों का चयन जो है वो सोच समझ कर कीजिएगा। उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों को हनुमान जी की उपासना करनी है, और साथ ही में किसी भी हनुमान मंदिर के शिखर के दर्शन करना आपके अंदर फियरफुल जो आपका एक ऑरा है उसको खत्म करेगा। वृषभ राशि द स्ट्रेंथ एंड 2 of Cups कार्ड निकल रहा है आपके लिए, क्योंकि अष्टम भाव में गोचर करेगा। इस अवधि में ट्रैवलिंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन गुस्सा भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से रिश्तों में जो एक समानता है वो नहीं रह पाएगी। हो सकता है पक्षपात आप बहुत ज़्यादा करें लोगों के साथ, या लोग आपके साथ इस तरह का बिहेवियर रखेंगे जिसकी वजह से आपके अंदर एक हीन भावना या इस तरीके का टेम्परमेंट हो सकता है। बात करें आप लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ की, तो जैसे मैंने कहा कि करियर से जुड़ी हुई या कामकाज से जुड़ी हुई यात्राएं आप कर सकते हैं। हो सकता है आप बाहर जाकर के पढ़ाई करने के बारे में सोच सकते हैं, या इस तरह का सोच जो है, इस तरह की प्लानिंग्स जो है आप लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। सफलता मिलेगी लेकिन कुछ समय रुक करके, इसलिए प्रयास आपको करते रहना है। इस अवधि में जितना हो सकता है पॉजिटिव रहने का प्रयास कीजिएगा। जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जो लोग डायबिटिक हैं या थायराइड की समस्या, आप लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। हार्ट की प्रॉब्लम्स जिन लोगों को है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स जिन लोगों को है, अपनी सेहत का इस अवधि में ज़रूर आप लोग ध्यान रखें। उपाय आपको ये करना है, मंगलवार के दिन आपको रोट का भोग हनुमान जी को लगाना है किसी भी मंदिर में जाकर के। मंदिर के बाहर आपको जितने लोग मिलते हैं उसमें वो प्रसाद ज़रूर बांटेगा, घर वापस लेकर के आपको प्रसाद नहीं आना है। मिथुन राशि की बात करते हैं, 6 of Swords एंड 7 of Cups कार्ड निकल रहा है आप लोगों के लिए। 7th हाउस में गोचर करेगा ये अवधि, आपके लिए आपके रिश्तों में थोड़े बहुत अलगाव पैदा कर सकती है। रिश्तों में कहीं ना कहीं पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ों की एक क्लैरिटी नहीं बन पाएगी। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स बने, हो सकता है ज़्यादा गुस्से की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएं, तो इसलिए ज़रूरी है आप इस अवधि में जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा रहेगा मिथुन राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि अवधि 7th हाउस में आपके लिए कहीं ना कहीं पे पार्टनरशिप्स की जो डील्स हैं उसको भी काफ़ी हद तक एक तरह से इफ़ेक्ट करेगा। तो इसलिए इस अवधि में हो सके तो आने वाले 15 दिन में कोई भी बड़ी डील्स आप लोग फाइनलाइज नहीं करें। आपके लिए अगर बात करूँ मैं पर्सनल फ्रंट पे, तो चीज़ें एक तरह से बेहतर होना शुरू होंगे, लेकिन फॉर अ वीक के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए आने वाला एक हफ्ता थोड़ा सा आप लोग अपने आप पर अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रख के चलें, और बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपको सामने वाले से नहीं करनी है। उपाय की बात करूँ तो इस अवधि में राधा कृष्ण की उपासना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि की बात करते हैं, पेज ऑफ पेंटाकल्स एंड 6 of Wands कार्ड निकल रहा है आपके लिए। 6th हाउस में गोचर करेगा। 6th हाउस में गोचर आपके शत्रुओं पर आपका प्रभाव बहुत ज़्यादा रखेगा। जी हाँ, आप लोगों के ऊपर आपके शत्रु खत्म होंगे इस अवधि में। आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकते हैं, आप लोगों के लिए नई प्लानिंग्स आप करेंगे। मानसिकता जो है वो एक तरह से जो पहले समय में आप लोग एक फियर के अंदर जीते थे, एक भय के अंदर जीते थे, वो चीज़ें खत्म हो सकती हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी जीत हो सकती है।
डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सी सतर्कता बरतेगा, जहाँ पर आपको सिग्नेचर करते करने पड़ते हैं, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स पर किसी चीज़ का लेन देन करना पड़ता है, थोड़ा सा उस मामले में सतर्क रहेगा। उपाय की बात करी जाए तो हनुमान चालीसा का इस अवधि में पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। लियोज द डेथ एंड द एम्परर कार्ड निकल रहा है, आपके लिए पंचम भाव में गोचर करेगा। ये अवधि ऐसी हो सकती है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही ट्रैक पर हैं, इसलिए बार बार डाउटफुल सिचुएशंस को लेकर के आना अच्छा नहीं है। ज़रूरी है अपने आप में क्लैरिटी को मेंटेन ज़रूर रखिए। इस अवधि में बाहर जाने के बारे में सोच सकते हैं, नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपका जो फ्रंट है वो बहुत ज़्यादा आप काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेंगे इस अवधि में। आपकी बातों को महत्वता ज़रूर दी जाएगी, सीनियर्स आपकी बातों को ज़रूर समझेंगे। कुल मिलाकर ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। उपाय की बात करी जाए तो बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान जी के सामने बैठ करके आपके लिए बजरंग बाण का पाठ करना अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं कन्या राशि और आपके लिए कार्ड जो निकल रहे हैं, एट ऑफ पेंटाकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहे हैं। फोर्थ हाउस में आपके लिए गोचर करेगा। मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, लेकिन आपके लिए आपके उच्च अधिकारियों से आपको कहीं ना कहीं पे सहयोग ज़रूर मिलेगा। आपके कॉम्पिटिटर्स भी इस अवधि में आपसे परास्त हो सकते हैं। कोई भी कॉम्पिटिशन में अगर आप हिस्सा ले रहे हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम्स अगर देने जा रहे हैं, तो ये अवधि आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। जो लॉ फर्म से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन लाभ की स्थितियाँ बनेंगी, लेकिन अगर कोई व्यापार करने जा रहे हैं, व्यापार की शुरुआत इस अवधि में अच्छी हो सकती है। कुल मिलाकर सुख और साधन बढ़ेंगे इस अवधि में। आप लोगों के लिए उपाय क्या रहेगा, आप लोगों को नियमित रूप से इस टाइम पीरियड के बीच में हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाना है। या कोशिश कीजिएगा तो ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाएं या संध्याकाल के समय चढ़ाएंगे। जो फीमेल्स हैं वो हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प ज़रूर चढ़ाएंगे। चलिए बात करते हैं लिब्रंस, तुला राशि, पेज ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकल रहा है। आपके लिए थर्ड हाउस में गोचर करेगा और ये अवधि ऐसी हो सकती है कि स्टेबिलिटी ज़रूर लेकर के आएगी, आपके अंदर एक पराक्रम का भाव ज़रूर लेकर के आएगी। आपके सिबलिंग्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन अगर आप अपने आप में ही एक तरह का अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं, तो सिचुएशंस या आसपास के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएंगे। तो ज़रूरी है अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ज़रूर आप बिल्टअप करें। उपाय की बात करी जाए तो आपके लिए रेड कलर की चीज़ों का डोनेशन करना इस अवधि में अच्छा रहेगा। लाल रंग की मसूर की दाल का दान आप कर सकते हैं। इस अवधि में कांसे के पात्र का दान किया जा सकता है। बात करते हैं स्कॉर्पियोज की, कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए द डेविल एंड नाइन ऑफ कप्स, और आपके लिए जो गोचर रहेगा सेकंड हाउस में रहेगा। ये अवधि कहीं ना कहीं पे आपके लिए कुछ ऐसे कार्यों को आपसे करवा सकती है जिसके लिए आप काफ़ी समय से उम्मीद कर रहे थे, काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो काम नहीं बन पा रहा था, लेकिन इस अवधि में आपका वो काम ज़रूर बन जाएगा। आपकी छाप जो है लोगों के ऊपर पड़ेगी और वो बहुत पॉजिटिव छवि आपकी निखर करके आएगी। इस अवधि में कोई ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, व्यापार का विस्तार करेंगे। इनफैक्ट व्हीकल खरीदने के बारे में अगर सोच रहे हैं, वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, कोई भूमि खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, लैंड परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये अवधि बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों को अपने व्हीकल्स के अंदर इस अवधि में मंगल यंत्र ज़रूर लगाना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को अपने घर के एंट्रेंस पर स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर लगाना चाहिए, पीतल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि, कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए थ्री ऑफ पेंटाकल्स एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स, और आप लोगों के लिए ही इसी राशि में गोचर होने जा रहे हैं, यानी कि आपका लग्न प्रभावित हो रहा है। धनु राशि वाले लोगों के लिए जो डिसबैलेंस चल रहा था वो खत्म हो जाएगा इस अवधि में। आप लोग जितना एफर्ट्स करेंगे उसके रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे, और ख़ास तौर पे ये रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव रहेंगे। कहीं ना कहीं पे लोगों का सपोर्ट मिलेगा और आपकी जो एक ओनरशिप है वो बढ़ सकती है इस अवधि में। चीज़ों की खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे, ट्रैवलिंग्स करने के बारे में सोचेंगे, आपकी बातों को महत्वता ज़रूर दी जाएगी। जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए उपाय ये रहेगा इस अवधि में, कोशिश कीजिएगा रेड कलर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स की, कार्ड्स निकल रहे हैं द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स, आपके लिए ट्वेल्थ हाउस में गोचर करेगा। इस अवधि में बहुत ज़्यादा खरीदारी करना अच्छा नहीं है, व्यर्थ का वाद विवाद खत्म कीजिए और एक्सपेंसेस को कट ऑफ कर दीजिए। हालांकि ट्रैवलिंग्स दिखाई दे रही हैं, विदेश यात्रा दिखाई दे रही है, कामों का किसी भी काम का कंप्लीशन दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ समय लेकर के, इसलिए जो धीरे धीरे करके समय बढ़ता जा रहा है, इसमें आप इसको यूटिलाइज ज़रूर कीजिए। ये जो गैप्स हैं इसको यूटिलाइज ज़रूर कीजिए। इस अवधि में अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन को कम करने की ज़रूरत है। आपको करना ये है कि सुबह उठ करके ओम मंत्र का उच्चारण नियमित रूप से करें। इसके अलावा आप लोग माँ लक्ष्मी की उपासना ज़रूर करें, कोशिश करें माँ लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र आप ज़रूर अर्पित करें। कुंभ राशि, द हाई प्रिस्टेस एंड द वर्ल्ड कार्ड निकल रहा है आपके लिए, ग्यारहवें भाव में गोचर करेगा। लाभ का स्थान है
और कहीं ना कहीं भी ये समय ऐसा है कि हर काम का कंप्लीशन ज़रूर होगा। इनफैक्ट आपको व्यापार से लाभ हो सकता है, इस अवधि में आपको नई जॉब मिल सकती है, जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, जो भी धन लाभ की स्थितियाँ बनेंगी वो कहीं ना कहीं पर आपके लिए नया काम का स्रोत लेकर के ज़रूर आएंगी। काम के एक्सपेंशन के बारे में भी सोच सकते हैं क्वेरेंस। इस अवधि में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है और खासतौर पर अगर कोई पुराना वाद विवाद चल रहा है वो भी खत्म होने का योग बन रहा है। कुल मिलाकर समय बहुत अच्छा है। हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि की बात करते हैं, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉल्ट्स कार्ड निकल रहा है आपके लिए 10th हाउस में गोचर करेगा और ये अवधि ऐसी हो सकती है कि आपको प्रयत्नशील बहुत ज़्यादा बना देगी। आप हर काम के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेंगे, प्रोत्साहित रहेंगे, आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट जरूर करेंगे, सरकारी पक्ष से लाभ होगा और कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे मान सम्मान आपको ज़रूर मिलेगा। पैटर्नल कोई प्रॉपर्टी है वो भी इस अवधि में आपको मिल सकती है। उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों के लिए सूर्य को नियमित रूप से जल देना अच्छा रहेगा। सरकारी पक्ष से भी आपको चीज़ें जो क्लियर नहीं हो पा रही थी वो क्लियर होगा और पॉलिटिक्स में भी आपको मान सम्मान जरूर मिलेगा। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए अश्रुतक के साथ।